शुरू है। बोला क्लास के शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी मेंस के लिए मैक्सिमम यानी कुल 8 टॉपिक्स हम लोगों को जो महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन आते रहे पढ़ना है। इनमें से जो पहला टॉपिक था संविधान और प्रस्तावना से संबंधित जो कुछ मुद्दे थे हम लोगों ने उस पर कल चर्चा की थी। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है नागरिकता। हालांकि इससे क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आए हुए हैं अभी 4-5 साल का पिछले क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, लेकिन इस बार इसलिए इस टॉपिक को मैं ले रहा हूं क्योंकि इस बार सीए के संबंध में आप देखते होंगे कि पूरे देश में विवाद उत्पन्न हुआ है जो कि एक बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पे हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए या आपके लिए वैसे भी इसको आना जरूरी है। तो सबसे पहले नागरिकता से क्या अभिप्राय, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जब हम जिस देश में जिस स्थान पे रह रहे हों तो वहाँ के राष्ट्र के द्वारा हमें कानूनी रूप से वहाँ पे रहने को कोई वैध प्रमाण पत्र यदि हमें मिलता है उसी प्रमाण पत्र को हम नागरिकता कहते हैं। कोई ऐसे कानूनी मान्यता जिस देश का हम वासी हैं उसकी ओर से दिया जाए तो उसके एवज हमें कुछ अधिकार भी मिलता है और साथ ही हमारा हमारे कुछ कर्तव्यों का भी क्या निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त जो नागरिकता है भारत के संविधान के भाग 2 में इसको शामिल किया गया है। एक चीज यहाँ पे जरूरी याद रखिएगा कि नागरिकता का निर्धारण भारतीय संविधान में निर्धारण करने की जो शक्ति है वो संसद को प्रदान की गई है, यानी संसद को संविधान में आर्टिकल 11 के माध्यम से ये शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो भारत में जो भी व्यक्ति नागरिक हों कौन कौन हो सकते हैं कौन कौन नहीं हो सकते उनके क्या अधिकार होंगे और किन कारणों से उनकी नागरिकता उनसे छीनी जाएगी नहीं छीनी जाएगी, तो इन सभी मानकों का निर्धारण संसद कर सकती है कानून बनाकर। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी 1950 जिस तारीख को हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस तारीख को तक के संदर्भ में संविधान में नागरिकता किसे माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा इस बात का निर्धारण संविधान में कर दिया गया था। यानी यहाँ पर दो बातें मायने हैं माइंड में रखना है। पहली बात कि जो हमारा संविधान है वो भारत में नागरिकता के निर्धारण करने की जो शक्ति है वो संसद को प्रदान किया हुआ है। और दूसरी जो अहम बात हमें ध्यान में रखना है वो ये कि चूंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा तो इस संसद तो इसके आगे की स्थिति का ही निर्धारण कर सकती है, लेकिन जब संविधान लागू हो रहा है यानी 26 जनवरी 1950 को तो उससे पहले भारत में किसे नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा इस बात का निर्धारण संविधान के ही कुछ आर्टिकल के माध्यम से पहले ही कर दिया गया है। तो वो आर्टिकल क्या क्या है इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये। पहला जो है आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 5 कहता है कि जो भारत में जन्म लेने वाला और जो व्यक्ति जन्म ले रहा है उसके माता पिता में से किसी एक या दोनों का
भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ये आर्टिकल 5 कहता है। दूसरा है आर्टिकल 6, ये कहता है इसमें एक बात और याद रख लीजिएगा कि 5 वर्ष पूर्व से भी रहने वाला, यानी संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भी सही जो भारत में रह रहा है उसे भी ये नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरी बात आप लिख लीजिए, मैं इसको बोर्ड पे, तो यानी वो व्यक्ति आर्टिकल 6 में होगा, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ है, यानी पाकिस्तान से भारत 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत आया हुआ है, उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है कि वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 47 में आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, दो हिस्सा बना, पाकिस्तान उस समय बांग्लादेश उसी का हिस्सा था और भारत, तो वो व्यक्ति जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान गया हो और पुनः 1-2 वर्ष के भीतर यानी 26 जनवरी 1950 के भीतर पुनः भारत आ गया हो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा, आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि वो व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारत से बाहर रह रहा है उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी वो व्यक्ति जो भारतीय मूल का है यानी ओरिजिन उसका भारतीय है, उसके माता पिता पूर्वज भारतीय रहे हों और किन्हीं कारणवश वो भारत से बाहर जाकर रह रहे हों, यदि वो चाहें कि यदि वो भारत में आकर रहें और भारतीय नागरिकता प्रदान लेना चाहें तो उन्हें भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी, ऐसा संविधान में आर्टिकल 8 कहता है। 9 कहता है कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कि ये 5, 6, 7, 8 को नागरिक किसे माना जाएगा नहीं, इसके संदर्भ में 9 कहता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहे वो कर सकता है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता को लेना चाहे तो ऐसा कर सकता है। 10 कहता है कि ये जो नागरिकता से संबंधित जो भी आयाम हैं ये तो 6, 7, 8, 9 तक तो हो गया, यानी 5 आर्टिकल, 10 आर्टिकल नंबर कहता है कि भारत में आगे यानी संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में नियम कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी और आर्टिकल 11 यह शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरीके से भारत में संविधान में नागरिकता से संबंध में ये कुछ आर्टिकल थे, आप इसको माइंड में रखिएगा, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये। अब देखिए, अब संसद के ने संविधान ने संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया, तो संसद ने अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग 1955 में किया और नागरिकता अधिनियम 1955 तैयार किया गया। इस अधिनियम में अभी तक 9 बार संशोधन हुए हैं, लास्ट संशोधन जो CAA को लेकर हुआ है उसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, तो ये 9 बार संशोधन हुआ है, ये उतने मायने नहीं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो है आपको माइंड में रखना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त ये जो अधिनियम है ये किन आधारों पर भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाता है इस अधिनियम के तहत और किन आधारों पर इसके तहत नागरिकता छीन ली जाती है, इन बातों का भी निर्धारण किया गया, इन बात को भी आप माइंड में थोड़ा सा रख लें। तो इसको लिखिएगा वो टॉपिक, भारत यानी नागरिकता अधिनियम 1955, वो टॉपिक हो जाएगा आपका नेक्स्ट। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी अधिनियम क्यों ना हो, मान लीजिए यह अधिनियम सबसे पहली बार 1955 में तैयार हुआ है, इस अधिनियम को हम 1955 के ही नाम से जानेंगे और भले इसमें 9 बार संशोधन क्यों ना हो चुका हो, संशोधन वर्ष 7 में जुड़ेगा लेकिन अधिनियम की ना पहचान होगी जो जिस साल वो बनकर तैयार हुआ वो कानून उसी साल से, इसलिए इसे नागरिकता अधिनियम 1955 ही कहेंगे। CAA के बाद भी ये अधिनियम 1955 से ही क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा।
तो इस अधिनियम में भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। पहला तरीका जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि जो भारत में नागरिकता की जो प्राप्ति होगी वो जो पहला वो होगा तरीका वो होगा जन्म के आधार पर। ऐसी बातें नाम से स्पष्ट हो रहा है जन्म के आधार पर क्या होगा। तो यहां पर देखिए कोई शिशु है यानी बच्चा है उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसका माता और पिता भारत का नागरिक हो तो वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा। दूसरा जो आधार है वो है रक्त या वंश के आधार पर। रक्त या वंश के आधार पर मतलब क्या, यानी मान लीजिए कोई बालक जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है और उसके माता या पिता या उनमें से कोई एक भारत के नागरिक हैं तो यदि वो चाहता है मैं भारत का नागरिक बनूं तो वो ऐसा कर सकता है। तीसरा है आवेदन के आधार पर। आवेदन के आधार पर मतलब क्या हो गया, इसको रजिस्ट्रेशन। इसमें यह है कि इसमें 3 तरह के लोगों को ऐसा कहा गया है। अब इसको समझने के लिए एक बात और समझ लीजिए कि जो नेक्स्ट इसको समझने के लिए एक अभी ये टॉपिक पहले इसको कंप्लीट कर लें उसके बाद ही इसको लिखेंगे। देशीयकरण के द्वारा इसको क्या है पहले इसको समझ लेंगे तब ये दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। देशीकरण में क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में नागरिक नहीं है और इन दोनों मतलब ये जो शर्त है उसको वो पूरा नहीं करता है तो वो व्यक्ति विदेशी माना जाएगा। और यदि वो विदेशी व्यक्ति चाहेगा कि वो भारत का नागरिक बने तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो भारत में आकर भारत में 14 वर्षों तक यहां पर रहे, निवास करे। निवास करे मतलब ये 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन और ऐसे करके हर वर्ष 90 दिन मिनिमम वो भारत में रहे, ये 14 वर्ष की शर्त है। तो फिर वो व्यक्ति अब यदि ये शर्त को पूरा कर पा रहा है तो फिर वो व्यक्ति भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और फिर राष्ट्रपति यदि उचित चाहे तो उन्हें या गृह मंत्रालय तो उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो भारत का नागरिक नहीं है और वो इन ऊपर के 2 शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि आवेदन के द्वारा क्या है कि इस आधार पर देखें तो इनमें 3 तरह के लोग आ जाते हैं। ये थोड़ा सा इसमें 14 वर्ष की शर्त है और इन लोगों के लिए 7 वर्ष का शर्त है की शर्त है। इनमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले लोग, वो व्यक्ति जिसकी शादी भारतीय नागरिक से हुई हो वो व्यक्ति आ जाएंगे इसमें। और तीसरी बात जो इसमें आएंगे वो होंगे कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, वही बात जो भारत से बाहर रह रहा हो। तो ये 3 बातें इसमें है, तो यानी यहां पर आ जाएगा कि इनके लिए 14 वर्ष रहना अनिवार्य है और इनके लिए 7 वर्ष। याद रखिएगा 1 वर्ष बराबर 90 दिन। यहां पर कोई छूट नहीं है, यानी 14 वर्ष रहना होगा मैक्सिमम और यहां पर 7 वर्ष। इसमें 3 लोग आ जाएंगे, राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, भारतीयों से विवाह करने वाला विदेशी और भारतीय मूल का कोई नागरिक जो विदेश में रहता हो। तो ये एक और आधार है। 5वां, मान लीजिए कि भारत सरकार, भारत किसी ऐसा क्षेत्र जिसका अधिग्रहण कर ले लड़ाई के पश्चात किसी कारणों वजह, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे कि समझौता हुआ था, तो इस तरीके से कोई देश यानी कोई भारत किसी देश अन्य देश के क्षेत्र को अपने में विलीन करता है, विलीत होता है वो भारत में, तो उस क्षेत्र में रह रहे लोग अपने आप भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कुल 5 आधार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ये दर्शाता है कि कैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और भारत के नागरिकता को प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे आधार भी दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति की नागरिकता यदि छीनी जाए तो किन आधारों पर छीनी जा सकती है। तो
इसमें देखिए क्या क्या सर तरीके से दिए गए। तो समाप्ति के तीन तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है परित्याग द्वारा, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी वो भारत का नागरिक है और यदि स्वेच्छा से स्वेच्छापूर्वक वो भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। दूसरी बात जो है समाप्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में, यहाँ पे तो स्वेच्छा से है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भारत की नागरिकता जिसके पास है, इसके बावजूद उसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली हो और वो भारतीय नागरिकता से त्याग पत्र ना दिया हो, परित्याग ना किया हो, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी, कैंसिल कर देगी। ये दूसरी बात है। जो तीसरी बात है वो नागरिकता की समाप्ति का, वो है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से, इसको टॉपिक में लिख सकते हैं वंचन कर देना, वंचित कर देना, मान लीजिए नागरिक है लेकिन कि उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जा रहे हैं जो नागरिक होने के जो शर्त है, कर्तव्य है, उसके विपरीत है, तो ऐसे में अपराध की कारण, यानी नागरिकता हनन के अपराध के कारण उससे नागरिकता का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो फर्जी तरीके से नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का नागरिक है लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो रहा हो, तो उस व्यक्ति से नागरिकता छीन ली जाएगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविधान और राष्ट्र का अनादर कर रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का नागरिक है लेकिन विदेश में वो उसे 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई हो, तो इन सब कारणों के चलते उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये कुल नागरिकता अधिनियम में हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी देखा। पहली बात ये कि किस तरीके से नागरिकता अधिनियम के माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है, और दूसरी बात ये कि किन कारणों के चलते किसी व्यक्ति को उससे नागरिकता का अधिकार जो उसे प्राप्त है उसे छीनी जा सकती है। ये 2 बातें हम लोगों ने अभी पढ़ा। एक चीज और नागरिकता के टॉपिक में महत्वपूर्ण हो जाएगा मेंस की दृष्टि से, वो मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ बना लीजिएगा और अपने अनुसार उस पॉइंट को लाइन दे दीजिएगा। देखिए मेंस में आप लिखने जाएंगे तो याद तो अब माइंड में किसी पॉइंट को रखने से तो होगा नहीं, तो जब तक टॉपिक्स की समझ होगी और जब तक उस टॉपिक्स को अपने समझ के आधार पर खुद के अनुसार आप उसे पंक्तिबद्ध करने में सक्षम नहीं है, तब तक आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी परिपक्व नहीं हुई है। इसलिए मैं बार बार टॉपिक्स को थोड़ा सा उसका उसके जो आयाम है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, और आप कोशिश करें कि उस चीज़ को समझकर अपने अनुसार लिखते रहें, और ये कई बार करते रहें, कई बार, ये ऐसा नहीं कि अभी सुने इसके बाद फिर कहीं नया क्वेश्चन मिले उसके आधार पर उस टॉपिक्स के को उत्तर लिखें उस टॉपिक्स को समझने के बाद। तो ये सब तो इसका प्रैक्टिस है, और मेंस में अभी आप लोग हैं 1 महीना लगभग है, करीब है, तो ये सारी बातें मैक्सिमम कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके खुद से उत्तर लिखिए, टॉपिक्स को खुद से समझकर उसका खुद से उसके संबंध में पैराग्राफ लिखिए, ये सारी बातें आपको करना पड़े, आपके लिए करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो मैं जो एक नागरिकता संबंधित एक अन्य डिबेट है उसको मैं करने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। एक होता है एकल नागरिकता और एक दूसरी बात है वो है दोहरी नागरिकता। इससे क्या अभिप्राय है? ये दोनों टर्म उन देश के संदर्भ में हो सकते हैं, मान लीजिए कि कोई देश है संघ, जैसे भारत एक संघ है, संघ से अभिप्राय क्या है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पे 2 प्रकार की सरकारें हों, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रही हो, उसे हम संघ कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को। तो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता एक संघ के संदर्भ में ही इसको आप देखिए, संघीय क्षेत्र, जैसे भारत एक अपने आप में एक संघ राज्य है, तो ऐसा कोई संघ जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है उसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। यानी भारत में एक इंडियन गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार है और एक स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्य सरकार है, यदि राज्य सरकार की नागरिकता अपनी अपनी होती, साथ ही केंद्र की भी अपनी एक नागरिकता का प्रमाण होता, तो भारत में दोहरी नागरिकता कही जाती, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। भारत में हम एक ही नागरिकता चाहे केंद्र से प्राप्त करें या राज्य से प्राप्त करें, उसकी मान्यता पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में और देश के सभी क्षेत्रों में होगी, केंद्र की भी योजनाओं में वो काम करेगा
और राज्य की भी अपनी योजनाओं में वो नागरिकता काम करेगी। तो ये बातें एकल और दोहरी में अंतर है, यानी एकल से अभिप्राय केंद्र और राज्य के लिए एक ही नागरिकता, एक ही प्रकार की नागरिकता, और दोहरी से अभिप्राय केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता। क्लियर है? अब भारत में आप प्रश्न करेंगे कि एकल नागरिकता को क्यों स्वीकारा गया है, क्यों नहीं भारत में दोहरी नागरिकता को स्वीकार कर लिया गया। दोहरी नागरिकता कहां पर है? तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, वहां पर स्टेट यानी जो का की अपनी अलग नागरिकता है, और वहां पर जो केंद्र है उसकी अपनी अलग नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। ये क्यों है? यहां से भी हो सकता है क्वेश्चन आए, नहीं आए तो भी आपको पता होना चाहिए। एकल नागरिकता भारत में इसलिए अपनाया गया है क्योंकि भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है, यहां पर अनेक भाषा, बोलियां, संस्कृति ये सब है, तो जाहिर सी बात, और एक संघ क्षेत्र भी है भारत अपने आप में, यानी एक केंद्रीकृत प्रणाली भी है और विविधताओं से भरा हुआ ये देश है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता बनी रहे ये अपने आप में चुनौती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई राज्यों के आपसी हित प्रभावित टकरा जाए, जिसके वजह से दो राज्य आपस में लड़ जाए, वो राज्य के हितों के कारण एक दूसरे के ऊपर वो कई तरह के एक दूसरे के ऊपर नियम बनाकर प्रतिबंध भी कर सकते हैं, ऐसी कई तरह की बातें हो सकती हैं। तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना कमजोर होती है, यही कारण है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, ताकि भारत के सभी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक अधिकार के साथ पूरे देश में कहीं भी घूम सके, किसी भी राज्य में जा सके, रह सके, नौकरी कर सके, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधाएं उत्पन्न उसको ना हो। इस कारण से तो ये मतलब कह सकें कि क्षेत्रीय विद्वेष ना फैले, क्षेत्रों के मध्य में आपसी तनाव ना उत्पन्न हो, ये क्षेत्रीय हित आपस में टकराए और उसका दुरुपयोग ना होने पाए, इस तरीके के इन्हीं तरीकों को रोकने के लिए, इन्हीं कुप्रभावों को रोकने के लिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था, जो अभी भी कायम है। एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम लोग अब देखेंगे, इसे लास्ट टॉपिक भी आप कह सकते हैं। इसका नाम है, हम लोग अभी साथ ही साथ एनआरसी, सीए, अवैध प्रवासी और इससे संबंधित जो भी विवादें हैं, क्यों हैं, इनके कारणों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नहीं सॉरी, इससे पहले एक अन्य टॉपिक है उसको थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक है कि जो भारत में नागरिकता अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया था 2015 में, तो इस संशोधन में क्या प्रावधान किया गया था? देखिए, 2015 नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में एक ओसीआईसी यानी ओवरसीज सिटीजन शिप ऑफ इंडिया कार्ड का निर्धारण किया गया था। ओसीआईसी यानी विदेशों में रहने वाले वो व्यक्ति, इनमें दो राष्ट्र को छोड़कर, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, विदेशों में रहने वाले वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, वो व्यक्ति यदि चाहे कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है कि ऐसी शर्त है कि वो जिस देश में रह रहे हो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नहीं, वो जहां पे रह रहे हो उसकी नागरिकता भी उनके पास रहेगी, साथ ही साथ उन्हें भारत की भी नागरिकता साइड से दी जाएगी, यानी ओसीआईसी कार्ड उसने दी जाएगी। लेकिन ये जो व्यक्ति जिन्हें ये कार्ड दी जाएगी, वो उनकी जो नागरिकता का अधिकार होगा, और हम जो सामान्य जन भारत के हैं और हमारा जो अधिकार होगा उनमें थोड़ा अंतर होगा, लेकिन इन लोगों को उन लोगों के अपेक्षा विशेष अधिकार प्रदान किया जाएगा जो भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। क्लियर है? जो भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। तो ओसीआईसी कार्ड होल्डर मान के चलिए एक भारतीय नागरिक,
एक गैर भारतीय नागरिक जिनको भारतीय नागरिकता से कोई मतलब नहीं उनके बीच में है, यानी इन्हें भारतीय नागरिक से थोड़ा कम अधिकार होगा, और वो व्यक्ति जिन्हें भारतीय नागरिकता है ही नहीं उनसे थोड़ा अधिक अधिकार होगा। कैसे अधिकार होगा? तो इन्हें भारतीय आने के लिए वीजा पासपोर्ट के नियमों में इनके प्रति थोड़ी ढील दी जाएगी, भारतीय शिक्षण संस्थानों में इनके प्रति सीटें रिजर्व कर दी जाएगी, चिकित्सा सुविधाओं में इन्हें थोड़ी रियायतें दी जाएगी, भारत में यदि इस प्रकार के लोग निवेश करना चाहें तो इन्हें क्या की जाएगी, सुविधा दी जाएगी, अन्य विदेशियों के मुकाबले इन्हें थोड़ा लाभ दिया जाएगा। अब आप प्रश्न उठता है कि ऐसा प्रावधान क्यों किया गया, वो सीएससी कार्ड से क्या लाभ मिलेगा भारत को? तो ये इसलिए लाया गया है कि मान लीजिए कि भारत में रहने वाले जो जितने भी पीआई यानी भारतीय मूल के जो विदेशी हैं, वो कई ऐसे विदेशी हैं जो बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं उनके पास, वो जिस देश में उस देश के विकास में उनका अहम योगदान है, साथ ही साथ चूंकि उनका भारत से एक लगाव है तो भारत सरकार अपने इन्हीं जुराव के आधार पर भारत सरकार चाहती है कि वो भारत के विकास में थोड़ा सहयोग करे। ऐसे में आप यदि वो सहयोग करना चाहें तो उनके लिए थोड़ी रियायतें दी जा रही है ताकि वो भारत में आए, भारत की ओर आकर्षित हों और भारत के विकास में वो थोड़ा सा अपना योगदान दे। वैसे तो आएंगे नहीं, इसीलिए भारत सरकार उन्हें थोड़ी रियायतें प्रदान कर रही है। तो यही है OCIC कार्ड, क्लियर है। 2015 संविधान संशोधन के माध्यम से इस कार्ड को दिया गया है। ये कार्ड PIO को प्रदान किया जा रहा है, वो PIO जो भारत, लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक शामिल नहीं हैं, क्लियर है। तो ये OCIC कार्ड के बारे में ये जानकारी थी। PIO क्या होता है तो आप याद रखिएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं और उनका ओरिजिन भारत में है लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। एक शब्द और होता है इसमें, ये भी याद रखिए, NRI। ये भारतीय नागरिक हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, यानी ये विदेशी नागरिक नहीं कहलाते, भारतीय नागरिक हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है किसी अच्छी कंपनी में, उसकी उसको जॉब लग गई है तो कंपनी उसे लेकर चली गई, तो वो व्यक्ति NRI कहलाता है। PIO कौन व्यक्ति कहलाता है? PIO वो व्यक्ति कहलाता है जो भारतीय मूल का है लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशों में रह रहा है। OCIC कार्ड जो है इन्हीं PIO के लिए है, क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जा रहा है। एक आखिरी टॉपिक अब हम लोग देखेंगे, NRC, इसका नॉर्मली नाम है नेशनल रजिस्टर कार्ड। ये क्या है? तो अब कोई भी देश है, वहाँ की अपनी गवर्नमेंट होती है, तो उस सरकार के पास अपनी एक कोई ऐसी रजिस्टर तो होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो ये जांच कर सके कि कौन सा नागरिक हमारे देश का वैध है और कौन सा नागरिक अवैध है। वैध और अवैध नागरिकों के मध्य पहचान करने के लिए हर देश दुनिया में, कोई भी देश अपने पास जो एक कह सकते हैं कि सूची रखती है, उसी सूची को हम लोग क्या कहते हैं, NRC कहते हैं। ये एक ब्यौरा है, कार्ड है, जो सरकार के पास होनी चाहिए, हर सरकार के पास कॉमनली होती है। भारत सरकार ने इसे पहला आम चुनाव 1952 के दौरान तैयार किया था, जो भारत सरकार के पास अभी भी है। ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि असम भारत में एक राज्य है पूर्वोत्तर में, वहां पर क्या होता है कि पूर्वोत्तर के अन्य जितने भी राज्य हैं वो पर्वतीय है और वो एक मैदानी राज्य है, उपजाऊ है थोड़ी सी, वहां की अपनी संस्कृति भी खूब आकर्षित है। तो उस राज्य में मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा ये बार बार आंदोलन इस बात को लेकर किया जाता रहा है और आरोप भी उनके वहाँ के पॉलिटिशियन के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से किया जाता रहा है कि बाहरी यानी कि विदेशी लोग यानी मैक्सिमम बांग्लादेश से आकर वहाँ पर बस गए हैं और उनकी भूमियों पर कब्जा करते हैं, उनकी संस्कृतियों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए। प्रश्न उठता है कि अब वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कैसे पता चले कि कौन लोग बाहर से आए हुए हैं और कौन लोग वहां के स्थायी निवासी हैं। इन्हीं बातों के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि असम में वैध और अवैध नागरिकों के बीच मतलब वैध और अवैध नागरिकों के निर्धारण के लिए सरकार को ये आदेश दिया कि एनआरसी तैयार किया जाए। भारत सरकार ने असम में इन्हीं आदेश के पश्चात एनआरसी तैयार करना शुरू कर दिया। इस एनआरसी में कहा गया कि 24 मार्च 1971 से पूर्व जो भी व्यक्ति असम में 24 मार्च 1971 के पूर्व असम में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यदि वो ये साबित कर पाए कि 24 मार्च 1971 के पूर्व से वो असम में रह रहे हों और इस संदर्भ में उनके पास कोई भी डाटा हो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आधार कार्ड शुरू उसमें तो होता नहीं था, वोटर रेडी कार्ड हो गया, कोई मान लीजिए कि सर्टिफिकेट ही हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण जो ऑथेंटिक है, मान्यता प्राप्त है, यदि उसके पास है और वो एनआरसी ऑफिसर को यदि वो ऐसा दिखाता है तो वो व्यक्ति असम का वैध नागरिक माना जाएगा, अन्यथा वो व्यक्ति अवैध नागरिक माना जाएगा। इस प्रकार वैध और अवैध के बीच अंतर करके उस अवैध नागरिकों की पहचान कर वो कहां से आए हुए हैं, किस देश से आए हुए हैं, किस क्षेत्र से आए, फिर वहां पे उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उन्हें भेज दिया जाएगा। और यदि इस संदर्भ में कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रख दिया जाएगा। वो सरकार के पास अपने कानून है, उस कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यही है एनआरसी, यानी एनआरसी एक तरीके से कह सकते हैं कि वैध और अवैध नागरिकों के मध्य के अंतर को स्पष्ट करने में ये एक सहायक भूमिका निभाता है, यही है एनआरसी। इसी के कारण अभी इस पर विवाद हो रहा है। तो अब प्रश्न उठा है कि अवैध नागरिक किसे कहेंगे, तो अभी आपने जाना कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेश से आकर रह रहा है और भारतीय नागरिकता के संदर्भ में उसके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, उसे अवैध नागरिक या अवैध प्रवासी माना जाता है। अब इन अवैध प्रवासी के संदर्भ में भारत के पास कुछ कानून है, वो कौन कौन से कानून है उसको थोड़ा देख लीजिए और फिर इसी के अगला चरण सीए इससे कैसे जुड़ा हुआ है ये भी थोड़ा सा भी देख लीजिए। एक मिनट, प्रश्न उठता है अवैध प्रवासी, वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है लेकिन भारत में रहने के लिए उसके पास ना तो कोई वीजा है, ना तो कोई पासपोर्ट है और ना ही कोई ऐसा प्रमाण है जिसके कारण वो भारत में ना रहने की अपने अधिकार को साबित कर पाए, तो वो व्यक्ति अवैध प्रवासी कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस अवैध प्रवासी के संदर्भ में भारत सरकार के पास दो प्रकार के कानून हैं। पहला कानून जो है उसका नाम है विदेशी अधिनियम 1946 और दूसरा कानून है पासपोर्ट अधिनियम 1920। ये दो अधिनियम अवैध प्रवासी के संदर्भ में है और ये अधिनियम अवैध प्रवासी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कानूनी रूप से किया जाए इस बात का निर्धारण करता है। इसमें क्या लिखा गया है, इन अधिनियमों में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है तो पहले उसकी पहचान कर ली और उसकी पहचान हो गई है तो ये बात का पता लगाया जाए कि वो किस देश का है और फिर उस देश को वापिस किया जाए। यदि वो देश उसको लेने में कोताही करता है या कोई ऐसा प्रमाण नहीं हो पाता जिसके वजह से वो देश उसे नहीं ले पाता या उसके संबंध में किसी अन्य देश के संदर्भ जुड़ता ही नहीं है तो फिर यदि यानी उसकी कोई पहचान ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो ऐसे में उसे जेल में यानी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। ये बात ये दोनों कानून में लिखी गई है, ये कानून में लिखी गई है।
भारत सरकार ने 2015 में इस अधिनियम में, 2016 में इस अधिनियम में क्या किया है, संशोधन किया और इन नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया। बदलाव क्या किया वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। बदलाव ये किया है कि इन बदलाव के बाद अब क्या निर्धारण हो गया है, इसी के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट सीए होगा, आप अनुमान लगा लेंगे कि सहज कि ये होना ही चाहिए, कि इसमें ये किया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों में रहने वाले 6 कम्युनिटी के लोग, 6 धर्मों के लोग, यानी वो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 धर्म के लोग वो हैं, यानी गैर मुसलमान, यानी इन तीनों ही देशों में गैर मुस्लिम धर्म के लोग, गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भारत आते हैं और वो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में रह रहे हैं, पूर्व से भारत में रह रहे हैं, और यदि उनके पास भारत में रहने को कोई अधिकार नहीं या ना ही कोई प्रमाण पत्र है, तो उन व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये बातें इन दो अधिनियमों में संशोधन के पश्चात स्पष्ट कर दी गई। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा तो फिर क्या माना जाएगा, और किस तरीके से उन्हें, उनके साथ, तो क्या वो भारत में रह सकेंगे, तो किस तरीके से रह सकेंगे। तो इसी को के लिए भारत सरकार ने CAA यानी नागरिकता अधिनियम जो 1955 में 9वां संशोधन किया 2016 में, यानी कि जो पिछले साल 2019 में, और इन संशोधन के पश्चात भारत सरकार ने ये निर्धारित कर दिया कि ये जो 6 कम्युनिटी के लोग इन तीन देशों से हैं, यदि वे, यदि वे, ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले पूर्व से भारत में रह रहे हों और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं भी होगी, भारत और रहने के लिए कोई वैध प्रमाण नहीं भी होगा, और यदि वो भारत का नागरिक बनना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और भारत सरकार उचित चाहे तो उसे नागरिकता प्रदान करेगी। बाकी रही बात इन तीन देशों के, यदि मुसलमानों के लिए, तो वो मुसलमान देशीयकरण, मैंने बताया प्राप्त करने, यानी 14 वर्ष, उसके तहत प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इसी कारण से ये मुद्दा चला है। अब प्रश्न उठता है कि सीए के कारण विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। तो सीए के कारण विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि भारत में सरकार के विपक्षियों का कहना है कि ये जो कानून है सीए यानी संशोधन कानून, वो आर्टिकल 14 का विरोध करता है। आर्टिकल 14 का क्या करता है? विरोध करता है। सीए जो है वो आर्टिकल 14 के अपोजिट है। अब प्रश्न, आर्टिकल 14 है क्या? तो आर्टिकल 14 दो बातों की बात की घोषणा करता है। एक, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त होगा और विधि का समान संरक्षण होगा। विधि के समक्ष समानता का अभिप्राय यह है, कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे, धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई व्यक्ति के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। और विधि का समान संरक्षण से अभिप्राय है कि परिस्थितियों के अनुसार सरकार थोड़ा बहुत भेदभाव चाहे तो कर सकती है, लेकिन उचित तार्किक कारण के साथ। ये दो बातें कही गई है। तो कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। विरोधियों का कहना है कि ये जो सीए है, चूंकि एक धर्म विशेष के लोगों के साथ को नजरअंदाज कर रही, इसलिए धार्मिक आधार पर भेदभाव है। सरकार का कहना है कि चूंकि आर्टिकल 14 जो कानून है वो केवल भारतीय देश के भारतीय नागरिकों के संदर्भ में है, ना कि किसी विदेशी नागरिकों के संदर्भ में। यहां पर भेदभाव यदि हो भी रहा है तो भारत के मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, वो विदेशी मुसलमानों के साथ हो रहा है जिसमें भी तीन देश हैं। इसलिए ये जो आर्टिकल है यानी इससे जो संशोधन कानून है, ये आर्टिकल 14 के अपोजिट नहीं है, के विरोध में नहीं है। यदि इससे भारतीय मुसलमानों के हितों पे यदि किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा होता तो ऐसे में यह कानून आर्टिकल 14 के विरोध में। अब यह डिबेट सुप्रीम कोर्ट में अभी है, अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय आया नहीं है, इसलिए आप इस डिबेट पे ध्यान रखेंगे। यदि इसमें आए नहीं आए और थोड़ी बहुत ये बातें स्पष्ट कर लेंगे,
तो नागरिकता से संबंध में जो भी एक हॉलिस्टिक कुछ बातें थी जो मैंने आज भी की, हो सकता है कि इससे संदर्भ में कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीए को जोड़कर हो सकता है पूछ ले भारत में नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार, इस तरीके से एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पेश की गई नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में विवाद क्या हैं और क्या यह संशोधन आर्टिकल 14 के विरोध में है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।